बडीज, व्हाट्स अप, इट्स बॉनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्रिसमस एकदम नजदीक है और मैं सोच रही हूँ क्यों ना क्रिसमस से रिलेटेड कुछ DIYs बनाया जाए। मजा तो शायद बहुत आने वाला है, बट मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, हम मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम यूज करने वाले है सुपर क्ले। आज फाइनली कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। हाँ, एकदम सही कहा। एनीवेज, वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सुपर क्ले मैं अपने पास की आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप से खरीदा है और इसकी प्राइस है 100 रुपीज। अब हम फटाफट इसे अनपैक करेंगे। इसमें क्ले के साथ साथ कुछ अच्छे टूल्स भी मिल रहे हैं जो कि हम बाद में यूज कर सकते हैं। क्ले की क्वालिटी मुझे लग रही है थोड़ी सी खराब हो सकती है, बट हम जब ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ पर 12 क्ले की पाउच है एक पूरी की पूरी पैकेट के अंदर और क्ले की कलर्स भी काफी अच्छी है। सो क्रिसमस की जो खास चीज है वो है क्रिसमस ट्री और वही हम पहले बनाने वाले हैं। क्रिसमस ट्री बनाने के लिए मैं यहाँ पर ग्रीन सुपर क्ले का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्रीन क्ले के साथ ब्लू क्ले को अच्छे से मिक्स करूंगी और उसके बाद क्रिसमस ट्री का शेप देना स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद सिजर्स की हेल्प से मैं क्रिसमस ट्री में कुछ पैटर्न्स ऐड कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसा लगे, बिल्कुल असली वाला ट्री जैसा लगे। अभी क्रिसमस ट्री के नीचे एक स्टिक ऐड कर दूंगी। अभी यह थोड़ी थोड़ी क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है, बट अभी भी कम थोड़ा सा बचा हुआ है। चलो उसे हम फटाफट कंप्लीट करते हैं। मेरे पास एक लेड है और उसके ऊपर मैं फटाफट ब्राउन सुपर क्ले को अच्छे से स्टिक कर दूंगी। आइज बनाने के लिए मैं ब्राउन क्ले के ऊपर व्हाइट क्ले को अच्छे से स्टिक कर दूंगी। अच्छे से शेप देने के बाद मैं अभी सिजर्स की हेल्प से अच्छे से टेक्सचर्स ऐड कर दूंगी। इस क्ले की यही खासियत है कि इसमें कोई ग्लू नहीं लगता है, ये खुद ही चिपक जाता है एक दूसरे के साथ। क्रिसमस ट्री को लिड के ऊपर अच्छे से फिक्स करेंगे। उसके बाद क्रिसमस ट्री को थोड़ा और सजाने के लिए कुछ डेकोरेशंस ऐड करेंगे। नाउ वी आर डन, हमारी फर्स्ट DIY इज रेडी। क्रिसमस ट्री तो बहुत सुंदर है, बट एक से मन नहीं भरता। मुझे पता था, इसीलिए अब हम करेंगे सेकंड DIY। सेकंड DIY में हम बनाने वाले हैं ग्रीन कलर की बुके। मैं ग्रीन और ब्लू क्ले को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी मैं इस क्ले को अच्छे से रोल करूंगी, देन मैं फटाफट उस रोल किया हुआ क्ले को अच्छे से राउंड शेप दे दूंगी। अभी बुके को और थोड़ी सी रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैं सिजर्स की हेल्प से अच्छे से टेक्सचर्स ऐड कर दूंगी। अभी ये काफी रियलिस्टिक लग रही है। हाँ, एकदम सही कहा। एनीवेज, मैं अभी रेड कलर की क्ले बॉल से इस बुके में अच्छे से डेकोरेशंस ऐड कर दूंगी। फाइनली सब डेकोरेशंस के बाद हमारी बुके एकदम कम्प्लीट हो चुका है। मेरे लिए क्रिसमस का जो खास चीज है वो है केक और इसी DIY में मैं वही बनाने वाली हूँ। सो मैं ब्राउन कलर की क्ले को अच्छे से मिक्स करूंगी और उसके बाद अच्छे से राउंड शेप दे दूंगी। देन मैं थोड़ी सी और क्ले लेकर उसे अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर से राउंड शेप दे दूंगी। एक क्ले के ऊपर दूसरा क्ले अच्छे से फिक्स करने के बाद मैं फटाफट अच्छे से डेकोरेशंस ऐड कर दूंगी। फाइनली हमारी केक एकदम तैयार हो चुका है। ये केक तो बड़ा ही टेस्टी लग रही है। थैंक्स अ लॉट। एनीवेज, अब बढ़ते हैं लास्ट DIY की तरफ। क्रिसमस के साथ सॉक्स का बड़ा ही प्यारी सी कनेक्शन है, क्योंकि बचपन में हमें ऐसा लगता था कि सांता क्लॉस गिफ्ट सॉक्स में रख के जाते हैं। तो ऐसी बात है। जी हाँ। एनीवेज, मैं अभी रेड कलर की क्ले लेकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। क्ले अच्छे से मिक्स करने के बाद एक छोटी सी सॉक्स की शेप दूंगी। सॉक्स की बॉर्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पर व्हाइट क्ले का इस्तेमाल कर रही हूँ। फाइनली लास्ट DIY भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है
और ये रही वो सारी चीजें जो मैंने आज बनाई हैं। सारी की सारी DIYs मैं जरूर ट्राई करूंगी। ठीक है। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बी क्रिएटिव।